काजल और मिथुन के यहाँ से आते हैं जी, इतनी डांट लगी है मुझे कि पूछिए मत। आप नहीं करते इससे हमको लगता है कि हमको इतना तनाव हो जाता है, लेकिन हम क्या करें। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी फाइनली काजल मिथुन के यहाँ जो है हम लोग बर्थडे सेरेमनी में चले गए और अच्छे से जो है सब कुछ निपट गया और उसके बाद जो है हम लोग आ गए वापस घर। जी हाँ, तो घर आ गए हैं और अभी लग गई है फिलहाल भूख, तो खाना खाते हैं पहले फिर आपसे बातचीत करते हैं। और इधर क्रिया चला गया है पूजा घर, है ये देखिए ये कर रहा है पूजा घर में। तो क्रियास गया था छत पे और दौड़ के चले आया क्योंकि धूप बहुत थी, पैर में अच्छा से लगा, पैर भाग के तुरंत आ गया। नहीं नहीं, धूप था, जमीन तो गर्म था, भागा तुरंत। जय कहो तो जय 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 रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक झड़ावा। जिस घर में भगवान की आरती रोज किया जाता है वहाँ काल नहीं फटकता, काल का सर्वनाश निश्चित। अब तो ले लिए लड्डू गोपाल का कटोरी, अब क्या लोगे पूजा रूम से, जाओ। तो अभी अभी पापा को कोर्ट छोड़ करके आए और जैसे ही आए तो देखिए क्रियांश जो है मेरे शरीर के पास आ गया, क्योंकि उसको जो सोना था, तो जब भी सोना होता है पापा को कई बार ढूंढता है वो, तो उसको गोद में लिए और थोड़ा घुमाए और वह सो गया। तो जिया अभी मौका है तुमको सोने का, सो गया है वो, अभी मौका है जा करके सो जाओ जल्दी। तो मार्केट आकर के जी सबसे पहले आगे शू के दुकान में, और इस बार जो है हम अपना जूता लेने नहीं आए हैं, नहीं जिया का जूता लेने आए हैं, इस बार लेने आए हैं क्रियांश का फुटवेयर। तो क्रियांश जो है अपना ये चप्पल पहन लिया है, इसके पास एक सैंडल है, जूता है, ये चप्पल नहीं था तो सोचा कि ये चप्पल इसको दे देते हैं। हाँ हाँ, ओए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसके लिए चप्पल जरूर लेना। ठीक है ले लिए, कोई बात नहीं, चलते हैं। यहाँ क्रियांश के पापा ब्रश कर रहे हैं और क्रियांश को भी ब्लड चाहिए, डर रहा है, दीजिए जल्दी दीजिए, जाने पापा को करने दो बेटा, ये लो आप कंघी, बाद में कंघी करेंगे। ओके पापा ठीक है, तू आप कंघी कल के लिए दियो, जाओ जल्दी से फिर नीचे चलेंगे, कुछ कर लोगे। क्रियांश भाई क्रियांश खोया हुआ है, बहुत टेंशन है जिंदगी में, है क्रियांश, बाय क्रियांश बाय। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे बेटे को, इसको रेडी करके मैंने भेजा था और ये आया एकदम नंगू पंगू। क्रियांश आ गया मेरी गोदी में और ये दांत काट रहा है मुझे, आइए क्या इसको बुला रहे हो। तो ये अभी नीचे था आ गया ऊपर, मैं पूजा का सारा काम कम्प्लीट कर रही हूँ, जैसे काम कम्प्लीट हुआ है और ये दादा मेरे पास आ गया। कहाँ जा रहे हो क्रियांश, कहाँ गया, आह मतलब गाय देखिए सिल जा रहा है,
जूता है उसको दे रहा है। आ रोटी ले गया ले गया ले गया। क्रियान जा रहा है अभी अपने बाबा के साथ घूमने के लिए। बाबा के साथ रोज जाता है ये कोई नई बात नहीं है। बाबा दादी उसको घुमाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। पैसा का नौकर बहाल है। बिना पैसा का नौकर बहाल है। तो मजाक की बात है जब मैं ये बात बोली, लेकिन ये इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इस घर में बच्चा नहीं हुआ घर में। ऊपर से ये अभी दादी दादी बोल रहा था, लग रहा है उसको भूख लगा इसलिए दादी दादी याद कर रहा है। इसलिए जब खाने के समय उसको दादी याद आती है, घूमने के समय उसे और ऊपर जाने के समय उसका कोई कहा नहीं जा सकता। उसको पापा प्यारा है कि मम्मी प्यारी है, दादा दादी सब है, सब समय समय में वो सबको ढूंढता है, सबका टाइम फिक्स है। दीजिए आग देगा, दे आग देगा गाय को। तो क्रियांश लौट के दादी से लेता है और जाके गाय को देता है। क्रियांश कहाँ जाएगा? जा दिखाना है आग को देगा। इसको कुछ भी खाने को मिलता है तो ये आग दे आता है। ये देगा ये। जय बाबा दिलाते हैं। जय जय। माँ से रोटी छीन लिया। वह है ही नहीं बेटा। तो क्रियांशी नाई नाई कर लिया अपने बाबा के छात, अब जाला ग्लीज पहने जी नाई नाई कर लिया। तो यहाँ पे क्रियांश रेडी हो चुका है। पापा तो क्रियांश रेडी हो चुका है। क्रियांश खाएगा दाल रोटी, फिर निनिया करेगा। क्रियांश ठीक है? क्रियांश जो हमारे पेट पे आके उछल रहा है, बमाशी कर रहा है क्रियांश। मम्मा का पेट जट हो जाएगा देख लो। अब जब कैमरा ऑन कर दिया मैंने तो ये उतर गया। दिखाना है कि मैं बहुत संस्कारी और बहुत सीधा बच्चा हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता हूँ मम्मा को। कह रहा है बंद करो, फिर मैं बदमाशी करूंगा। हाँ यही कर लियो ना तू। ऐसे कोई करता है? नहीं करते ना बेटा। डर कर रहा है ना पे मम्मा का। छो जाओ ना क्रियांश प्लीज, छो जाओ ना। तो अभी बज रहे हैं 1:30 और हमारा बेटा सो चुका है। पतिदेव इसी बात में घूम रहे हैं इन्हें कि सो जाए। चल और नहाइएगा कब आप? काजल और मिथुन के यहाँ से आते हैं जी, इतनी डांट लगी है मुझे कि पूछिए मत। और ये डांट जो है पहले भी लगती थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही डांट लग गई। तो जानते हैं किस बात को लेकर के लगी है? काजल मिथुन के आने और जाने की बात हो तो आपका काम है, जाते आते सब दिन रहेगा। सबसे बेसिक हमको लगता है कि आप समय पर अपना काम क्यों नहीं करते? अच्छा, आप समय पर काम भी कीजिए, खाना पीना नहाना सोना हर चीज कीजिए। जो चीज आप नहीं करते इससे हमको लगता है कि हमको इतना तनाव हो जाता है, लेकिन हम क्या करें। मेरा कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, समझने का कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, समझ गए। अच्छे, तो आखिर किस बात को लेकर के समझने की बात है? आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। असल में जी शिकायत हो रही है मेरे नहाने को लेकर कि मैं समय पर नहीं नहाता हूँ, ना ही मैं समय पर खाता हूँ, ना समय पर कोई काम होता है। तो इस बात को लेकर के माँ बीबी घर में सब परेशान है। करता सब कुछ है, हाँ। इसको टाइम टेबल कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, टाइम टेबल सुधर जाएगा। तो ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में ज्यादातर हमने आपको क्रियांश को दिखाया है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हां जी, हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें। आपकी एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।